हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ अपनी अमेजिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ PSL 2020 के 23वें मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के बीच में। तो दोस्तों, ये मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि ये दोनों ही टीमें PSL 2020 के पॉइंट टेबल में बाकी टीमों के मुकाबले में पिछड़ रही हैं। लाहौर कलंदर्स की टीम अपने इस मुकाबले को जीतने के साथ प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रखना चाहेगी, क्योंकि उसने अब तक PSL 2020 में 5 मुकाबले खेले, जिसमें से केवल वो एक मुकाबला जीतने में सफल रही है और उसके 2 अंक हैं। कारण वो PSL 2020 के पॉइंट टेबल में सबसे निचले पायदान पर कायम है। दोस्तों, कराची किंग्स की टीम की बात की जाए तो कराची किंग्स की टीम इस मुकाबले को जीतने के साथ प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहेगी। इस समय वो पॉइंट टेबल में 4th स्थान पर है। उन्होंने अभी तक 6 मुकाबले खेले, जिसमें से 3 मुकाबलों में जीत दर्ज हुई है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और एक मुकाबला कराची किंग्स की टीम का रद्द हुआ है, जिसके कारण उसके पॉइंट है 7। तो दोस्तों, समय को ना जाया करते हुए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस पूरे मैच का प्रीव्यू और प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की, और साथ ही साथ की प्लेयर्स जो इस मुकाबले में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोगों को मिल पाए नोटिफिकेशन हमारी लेटेस्ट वीडियोस की और आप लोग आनंद उठा पाए हमारी मजेदार वीडियोस का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं PSL 2020 का ये 23वां मुकाबला संडे 8 मार्च गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 पर। दोस्तों, इस मुकाबले में ये दोनों ही टीमें काफी ज्यादा अच्छे प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है, क्योंकि ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम होने वाला है। इस मुकाबले की रोमांचक होने की काफी ज्यादा उम्मीदें भी जताई जा रही है। आइए दोस्तों, समय को ना जाया करते हुए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोनों ही टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11, जिसके साथ वो इस 23वें मुकाबले में उतर सकते हैं आमने सामने। पर दोस्तों, लाहौर कलंदर्स की टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए, नंबर 1 पर हमें खेलते नजर आ सकते हैं सोहेल अख्तर कप्तान, नंबर 2 पर क्रिस लेन, नंबर 3 पर फखर जमन, नंबर 4 पर मोहम्मद हफीज, नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज बेन डंक, नंबर 6 पर समित पटेल, नंबर 7 पर डेविड वीसी, नंबर 8 पर हैरिस रऊफ, नंबर 9 पर उस्मान शेनवारी, नंबर 10 पर शाहीन अफरीदी और नंबर 11 पर दिलवर हुसैन। तो ये थी लाहौर कलंदर्स की टीम की प्लेइंग 11। आइए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ लाहौर कलंदर की टीम के की प्लेयर जो इस मुकाबले में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, मोहम्मद हफीज और बेन डंक काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और वो इस मुकाबले में काफी रन बना सकते हैं अपनी टीम के लिए। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कराची किंग्स की टीम की प्लेइंग 11। दोस्तों, नंबर 1 पर बाबर आजम खेलते दिखाई दे सकते हैं, जबकि नंबर 2 पर सरजील खान, नंबर 3 पर एलेक्स एल, नंबर 4 पर कैमरन डेलपोर्ट, नंबर 5 पर चैडविक बेल्टन, नंबर 6 पर इमाद वसीम कप्तान, नंबर 7 पर ईशान अहमद, नंबर 8 पर उमेद आसिफ, नंबर 9 पर मोहम्मद आमिर, नंबर 10 पर क्रिस जॉर्डन और नंबर 11 पर अरशद इकबाल। अगर दोस्तों कराची किंग्स की टीम की कई प्लेयर्स की बात की जाए तो बाबर आजम और एलेक्स हेल काफी अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई दे सकते हैं। तो ये थी दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 और उनके की प्लेयर्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये आप लोगों को मिल पाए नोटिफिकेशन हमारी लेटेस्ट वीडियोस की और आप लोग आनंद उठा पाए हमारी मजेदार वीडियोस का। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारी सारी वीडियोस को इतना प्यार दीजिए। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।